हाँ बेटा, अपनी जो लास्ट रिएक्शन जो बच गई है वो है नेबर री अरेंजमेंट। ये अपनी लास्ट रिएक्शन रहेगी अपनी क्लास की बेटा, ध्यान दो। कौन सी? नेबर री अरेंजमेंट, मेंशन कर लेना बेटा, नेबर री अरेंजमेंट। नेबर री अरेंजमेंट, ये अपनी लास्ट रिएक्शन है बेटा। किसके द्वारा दी जाती है? कीटोक्सिम टोलुइन सल्फोनेट। इसके अंदर क्या होता है देखना बेटा, बात को समझना। यहां ध्यान देना, आरडेस कभी भी एच नहीं हो सकता, इसे बोलेंगे कीटोक्सिम, कीटोक्सिम टोलुइन, टोलुइन कीटोक्सिम टोलुइन सल्फोनेट। कीटोक्सिम टोलुइन सल्फोनेट, देखो बेटा, जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और ये रिएक्शन किसके साथ में होगी? आर एल आई एच थ्री ओ प्लस के साथ में रिएक्शन होगी। किसके साथ में रिएक्शन होगी? आर एल आई है बेटा, कीटोक्सिम टोलुइन सल्फोनेट आर एल आई एच थ्री ओ प्लस के साथ में जब अपन ने रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में क्या कंपाउंड, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एन एच टू और यहां पर सी ओ आर डेस। इसको अपने को समझना होगा, अपने पास में क्या मिला? अल्फा एमिनो कीटोन, अल्फा एमिनो कीटोन, ये अपने को मिल रहा है बेटा। आगे क्या बात सुन? यस या नो? तो क्या बोलेंगे? व्हेन व्हेन कीटोक्सिम टोलुइन, व्हेन कीटोक्सिम टोलुइन सल्फोनेट, सल्फोनेट रिएक्ट विथ आर एल आई इन एसिडिक मीडियम देन अल्फा एमिनो कीटोन, अल्फा एमिनो कीटोन विल बी फॉर्म्ड, अल्फा एमिनो कीटोन विल बी फॉर्म्ड। आगे बात सुन, एंड दिस रिएक्शन नोन एज, and this reaction known as Nebar rearrangement, Nebar rearrangement, ये देख लो भैया अच्छे से एक बार इसको।
कौन हो गई, नेबर रीअरेंजमेंट। अब अपन देखते हैं, आप इस एक चीज को पकड़िए बेटा, इसमें देखना आपको एक बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी कि आप इसका मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना रहे होंगे वो देखना है। इसमें आप इसको देखो एक बार अच्छे से, आप देख रहे होगे कि यहां पर कि यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के आपने क्या जोड़ा, NH2 जोड़ा, और जहां पर ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वहां आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ा, देख लो, क्योंकि RDS के पास में कौन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही इसका कॉन्सेप्ट होगा। बस अब अपने को समझना ये है कि वो जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है बेटा, तो ध्यान देना, यहां से मोर एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलता है बेटा। कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, मोर एसिडिक। देखो बेटा मैकेनिज्म देखते हैं, इसमें मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए बेटा मैकेनिज्म, देखिए इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखिए क्या है अपने पास में, RCH2 डबल बॉन्ड N, ये OTS, और यहाँ पर क्या बेटा RDS। आई बात समझ, हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाए RLi के साथ में, किसके साथ में रिएक्शन करवाई, RLi के साथ में रिएक्शन करवा दी। जब RLi के साथ रिएक्शन करेगा ये बेस होता है, ये क्या निकालेगा यहाँ से H+, H+ निकालेगा तो क्या बन गया, माइनस डबल बॉन्ड N OTS, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा RDS। आ गई बात समझ, फिर क्या होगा बेटा, ये जो नेगेटिव है, मैं इसको यहाँ मेंशन कर लेता हूँ इस नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या निकल गया बाहर, लिविंग ग्रुप क्या निकल गया बाहर, और क्या बन गया CHC, और यहाँ पर बन गया तुम्हारे पास में N डबल बॉन्ड, और ये क्या बेटा RDS, ये क्या बन गया RDS। ये जो बना है इसे बोलते हैं एजीरीन, क्या बोलते हैं एजीरीन, ये इंटरमीडिएट बन रहा है अपने पास में, यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया बेटा यहाँ पर। फिर क्या होगा, फिर ध्यान देना, यहाँ पर आपने मीडियम को एसिडिक किया तो यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा और प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये लो भैया ये प्रोटोनेशन हो गया, फिर प्रोटोनेशन होने के बाद में आप क्या करवाओगे बेटा, प्रोटोनेशन आपने करवा लिया, प्रोटोनेशन करवाने के बाद में आप इसके ऊपर H2O का अटैक करवाओगे, वाटर से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये वाटर के लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटा, यहाँ पे आएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH, यहाँ OH, ये RDS, वो क्या बन गया N, और ये H। फिर क्या होगा, फिर प्रोटोनेशन करवाओगे क्या, देखो क्या करवाते हो, फिर प्रोटोनेशन करवा लो, प्रोटोनेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा RCH, OH, RDS, N, और यहाँ पर H पॉजिटिव, ये लोन पेयर यहाँ गया, ये यहाँ आया, तब आप देख पा रहे होंगे क्या बन रहा है RCNH2, और ये डबल बॉन्ड अच्छे से देख लो एक बार, क्या बन रहा है RCH NH2 डबल बॉन्ड और ये RDS, इसे बोलते हैं अल्फा एमिनो कीटोन। ये बेटा इसका मैकेनिज्म रहा है, आ गई क्या बात समझ में, यस या नो।
अच्छा मैकेनिज्म है बेटा ये। चले अपन आगे आगे देखते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल। देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि लेटे लाते हैं बेटा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। क्या लेंगे अपन यहां पर? देखो अपन ने यहां पर ले लिया ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिया। आप मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि बेटा यहां पर जो मोर एसिडिक एच प्लस है वो कौन सी है, मोर एसिडिक एच प्लस कौन सी रही होगी। अरे बात सुन, तो अपन देखते हैं यहां पर, ध्यान देना। यहां से यदि तुम H प्लस निकालोगे तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये ज्यादा एसिडिक है क्यों? क्योंकि ध्यान देना यहां पर अपने पास कौन जुड़ा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप यहां से H निकालोगे तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होता है। जो तुम्हारा एनायन है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या कर लेता है बेटा? स्टेबलाइज करता है। तो बात को समझना, अब मुझे करना क्या है? सेम यहां से क्या निकालना है बेटा? एच प्लस निकालना है। यहां क्या आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? यहां ये ओटीएस क्या निकलेगा? बाहर प्रोटोनेशन करवाऊंगा, प्रोटोनेशन करवाने के बाद वाटर का अटैक करवाऊंगा, वाटर का अटैक करवाने के बाद में फिर प्रोटोनेशन करवाऊंगा, और देन तुम्हारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। बाकी इस फाइनल अपनी इस क्वेश्चन को देखिए, तो यदि यहां से आप क्या निकालोगे? H प्लस निकालोगे तो यही NH2 का फॉर्मेशन होगा और क्या बन जाएगा? RCO, और यहां पर क्या बेटा? CH NH2 डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये लो भैया, ये प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ? और एग्जांपल ले लो, वो लेते हैं एग्जांपल। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? यहां से निकालोगे कि यहां से निकालोगे? तो देखो यहां से निकालोगे तो नेगेटिव के ऊपर, यहां खुद ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि इसके ऊपर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? ये, क्योंकि ध्यान देना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अनस्टेबल करता है। तो आपकी जो हाइड्रोजन निकलेगी वो यहां से निकलेगी, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा देखना। ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और क्या होगा भाई? और देखते हैं, और देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बेटा, आंसर आना चाहिए अपने पास में। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बेटा, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या रहा है यहाँ पर। देखिए भाई, देखो बेटा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन तो तुम कहीं से भी निकाल लो बेटा, लेकिन पहले हाइड्रोजन निकालने वाला केस तो चलो बाद में देखते हैं। पहले टोसाइल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई। किसके साथ में? टोसाइल क्लोराइड के साथ में। जब आप टोसाइल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पर बेस कौन है? पाइरिडीन। इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में देखिए क्या बनेगा। ये सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन करवाएगा, OTS एक लिविंग ग्रुप बनेगा। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, कौन है अच्छा लिविंग ग्रुप? OTS। इसलिए पहले इसको लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया। फिर तुम्हारे पास में क्या है भैया? RLi और क्या बेटा? H3O+। इसके साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो CH2 है, जो हाइड्रोजन है, वो एक ही टाइप की है, कोई डिफरेंट टाइप की तो है नहीं। CH2 यहाँ पर कोई है नहीं, तो आप यहीं से निकालोगे, तो यहाँ से निकालोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा। अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं तुम्हारे को। यहाँ NH2 बनेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ C6H5। ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। और देखिए भैया इसके क्वेश्चन, और देख लीजिए इसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। देखिए लो भैया, एक क्वेश्चन तो मेरे लिए ये सोल्व कर दीजिए और इसकी रिएक्शन तो आप करवा लीजिए RLi H3O+ के साथ में, और एक क्वेश्चन आप मेरे लिए ये वाला भी सोल्व कर दीजिए। इसकी रिएक्शन चाहे आप RLi के साथ में करो और चाहे C2H5O-Na+ के साथ करो, किसी के साथ करो, ये दो क्वेश्चन आप मेरे लिए सोल्व कर दीजिए बेटा। वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलो बेटा इनको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखें अपन, देखो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो यहाँ पर देखना, ये OTS तो है ही, ये वाली बात तो अपने को समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ये क्या करेगा भाई? ये RLi, ये बेस है, ये तुम्हारे पास यहाँ से क्या निकालेगा? ये अपने पास से निकालेगा बेटा, ये जो प्रोडक्ट है ये OTS, यहाँ पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा? ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा? बाहर। क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये N और ये H। फिर क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। H+ के साथ में आपने प्रोटोनेशन करवाया, ये हो गया। फिर क्या करवाओगे आप? H2O के साथ में रिएक्शन करवाओगे। H2O क्या करेगा बेटा? यहाँ पर अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ? इस नाइट्रोजन के ऊपर। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? तुम्हारे पास में बन जाएगा यहाँ कौन बेटा? OH और ये नाइट्रोजन, ये H। फिर तुमने किस क्या करवा दिया? प्रोटोनेशन।
एच प्लस के साथ में प्रोटोनेशन जब आप लोगों ने करवाया, क्या बन रहा है, ये वही प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ पॉजिटिव, ये OH, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ये लो बेटा ये प्रोडक्ट बन गया। डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या बेटा NH2, ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखें भाई, और भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये भाई, ध्यान देना। अब आप बोलोगे सर ये तो नेबर रिअरेंजमेंट देगा ही नहीं, पर बेटा ये नेबर रिअरेंजमेंट देगा। पहले आप इसको नेबर रिअरेंजमेंट के अंदर चेंज कीजिए, ये RLI क्या करेगा, बात को समझना। RLI क्या करेगा, यहाँ से पहले H प्लस निकालेगा, कहाँ से, NCl, यहाँ से। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे और ये Cl क्या निकल गया, बाहर। फिर क्या होगा, N और यहाँ पर क्या बेटा Cl। फिर क्या होगा, फिर आप रिएक्शन करवाए किसके साथ में, रिएक्शन करवाए आप RLI के साथ में। आगे बात सुन, RLI के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाया तो क्या बना तुम्हारे पास में, डबल बॉन्ड N, ये क्या बेटा Cl या नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर अटैक किया, ये क्या निकल गया, बाहर। बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे हो। फिर आपने करवाया H प्लस के साथ में रिएक्शन, इसकी प्रोटोनेशन करवाया, क्या बन गया N और यहाँ पर क्या H, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। फिर आपने रिएक्शन करवाई H2O के साथ में, ये यहाँ अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास में बन जाएगा ये OH, ये NH, ये लो भैया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। और ये क्या बन गया NH2। ये तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हो गई भाई, नेबर रिअरेंजमेंट। और इसी के साथ में ध्यान देना, तुम्हारी यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में क्या कंप्लीट हो गई, ये तुम्हारी बेटा यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। अब अपन एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जब रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया था तो रीअरेंजमेंट के अपने बेसिक पढ़ा था बेटा, उसका क्या पढ़ा था, बेसिक्स पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो रीअरेंजमेंट है उसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था, एक था तुम्हारे पास में होमोलाइटिक और एक था तुम्हारे पास में हेटरोलाइटिक। फिर हमने होमोलाइटिक को भी कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया था बेटा, कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक था तुम्हारे पास में एनायनोट्रोपिक और एक था तुम्हारे पास में केटायनोट्रोपिक। फिर एनायनोट्रोपिक को भी हमने टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, एक था तुम्हारे पास में क्या, सॉरी हाँ, एनायनोट्रोपिक को भी अपने थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, एक था तुम्हारे पास में कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, एक था तुम्हारे पास में कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन और एक था तुम्हारे पास में कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। अरे बात सुन, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन में हमने पढ़ लिया था पिनाकोल पिनाकोलोन पढ़ लिया था, ठीक है, हमने देख ली थी। इसके साथ में सेमी पिनाकोल पिनाकोलेन रिअरेंजमेंट देख लिया था हमने, अनट्विस्टेड रिएक्शन देख ली थी, बेंजिल बेंजाइलिक देख ली थी, वो सारी हमने देख ली थी। कार्बन टू नाइट्रोजन में हमने क्या देख लिया था बेटा, रिएक्शन करवाई थी आपने होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, आई बस डेमजनोव रिएक्शन करवाई थी। और इसके अंदर अपन ने क्या देख लिया, कार्बन टू ऑक्सीजन के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया, एक देख लिया अपन ने क्या, फेवराज की रिएक्शन देख ली, बेयर-विल्गर देख ली, नेबर देख लिया। और इसी के साथ में बेटा आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है भैया। अब नई वीडियो में नई यूनिट के साथ मिलेंगे।
आर्य भाषण में। आज के लिए इतना ही बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये यूनिट यदि कंप्लीट हो गई है तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और इसके साथ में यूनिट को तैयार कीजिए बेटा। आगे बात समझ।